मौत के मॉक ड्रिल मामले में आगरा के श्री पारस अस्पताल को जांच के बाद क्लीन चिट मिल गई है। अस्पताल पर मॉक ड्रिल के नाम पर 22 मरीजों की जान लेने का आरोप लगा था, लेकिन जिला प्रशासन ने अपनी जांच के बाद जो रिपोर्ट पेश की है उसमें अस्पताल को इस आरोप से बरी कर दिया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद जिन मरीजों की मौत हुई थी उनके परिजनों में आक्रोश है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही। ये है आगरा जिला प्रशासन की वो रिपोर्ट जिसने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य अमले को हिला कर रख दिया है। कल तक आगरा के जिस अस्पताल पर ऑक्सीजन मॉकड्रिल के नाम पर 22 मरीजों की जान लेने का आरोप लगा था, अस्पताल को सील कर दिया गया था। जांच के बाद अब उसे बरी कर दिया गया है, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और भी गर्म हो गया है। इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आगरा के श्री पारस अस्पताल का 7 जून को एक वीडियो डॉक्टर अरिंजय जैन का वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में 26 अप्रैल को अरिंजय जैन अपने स्टाफ से 5 मिनट की ऑक्सीजन ब्रेक की बात कर रहे थे, यानी 5 मिनट का मॉकड्रिल करने की बात कही जा रही है। इस वीडियो में बाकायदा अस्पताल के मालिक ने यह कहा था कि 22 लोग छट गए। 22 लोगों के छटने का मतलब 22 लोगों की मौत माना जा रहा है। उस समय अस्पताल में कोरोना के मरीज भर्ती थे और उस दौरान कई मरीजों की मौत भी हुई थी। ऐसे में वीडियो सामने आते ही हंगामा मच गया था। मॉकड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। मॉकड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉकड्रिल हुई संतोषी मंदिर। मरीज के परिजन अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाने लगे। आनन फानन में अस्पताल को सील कर दिया गया और जांच बैठा दी गई। उसी जांच की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अस्पताल को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। 26 और 27 अप्रैल को अस्पताल में कुल 16 मरीजों की मौत हुई थी, जिनमें से 14 मरीज गंभीर रूप से बीमार थे और इनमें से किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अस्पताल ने 26 अप्रैल को ऑक्सीजन सप्लाई बंद नहीं की थी, मतलब आगरा के जिला अधिकारी ने अपनी जाँच में श्री पारस अस्पताल को सबसे बड़े आरोप से बरी कर दिया है। लेकिन जिन मरीजों की मौत हुई है उनके परिजनों के मुताबिक दाल में कुछ काला है और अब CBI जांच की मांग की जा रही है। मैं ऊपर न्यायिक जांच के लिए CM साहब को PM साहब को ये कहूँगा कि सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसकी CBI की जांच कराई जाए। और जो ये कह रहे हैं कि 22 मौतें नहीं हुई हैं, 16 मौत, अब पहले तो 4 और 3 बता रहे थे कि 7 मौतें हुई हैं और आज ये कह रहे हैं कि 22 मौतें 16 मौतें हुई हैं। पहले आरोपों के दायरे में केवल अस्पताल था, अब जिला प्रशासन भी कई सवालों से जूझ रहा है। लोग कह रहे हैं कि उस वीडियो का क्या, जिनमें खुद डॉक्टर अरिंजय जैन मॉकड्रिल की बात मानते हुए 22 मरीजों की छटनी की बात कही थी। अब वो छाटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेड लाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, फिर मॉकड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। मॉकड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉकड्रिल हुई संतोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉकड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज चढ़ गए, जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल नीले पड़ने लगे। ओहो। वीडियो के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अस्पताल ने गंभीर मरीजों की पहचान के लिए 5 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई को बंद रखा, जिसके बाद कई मरीजों की हालत बिगड़ती चली गई और बाद में 22 मरीजों की मौत हो गई। पीड़ितों का आरोप है कि जांच में मरीज के परिजनों के पक्ष को पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। मैं अपने पिताजी के हत्यारों को किसी भी कीमत पे और छोटे भाई की पत्नी के हत्यारों को किसी भी कीमत पे नहीं बख्शूंगा। अब मैं बहुत जल्द हाईकोर्ट इस मामले को लेकर जा रहा हूँ और बहुत जल्द हाईकोर्ट में मैं एक अपनी जो मुकदमा दायर करूंगा इस डॉक्टर के खिलाफ, जिसमें कि हत्या का मुकदमा दर्ज हो। जाहिर है टकराव अभी खत्म नहीं होने वाला। हालांकि प्रशासन ने 16 मरीजों की मौत मानी है,
लेकिन जांच रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं बल्कि गंभीर बीमारी से हुई और सारा पेच यहीं फंसा है। जब मामला उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ा हो तो सियासी सरगर्मी बढ़ी जाती है। आगरा के मामले को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने इंसाफ की अनदेखी की है। विडंबना देखिए, खबरों के अनुसार आगरा में अस्पताल ने मरीजों की ऑक्सीजन बंद करके मॉकड्रिल की और बीजेपी सरकार ने क्लीन चिट देकर इंक्वायरी की मॉकड्रिल कर दी। सरकार और अस्पताल दोनों का रास्ता साफ। मरीजों के परिजनों की गुहार को अनसुना कर सरकार ने न्याय की उम्मीद को तोड़ दिया। जब हमला हुआ तो जवाब देना जरूरी था, तो बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने भरोसा दिया कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं भी प्रशासन का जो भी आया होगा निष्पक्ष जांच उन्होंने करी होगी, मैं उसका पूरा विस्तृत अभी विश्लेषण करने के बाद कुछ कह पाऊंगा। नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा, उसको हम देख लेंगे, क्योंकि रिपोर्ट आ जाने दीजिए हमारे पास, तो उसको हम समीक्षा करके उसको फिर देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कार्रवाई की जाएगी जैसे भी है, वो रिपोर्ट को देख के हम पुनः उसके लिए आदेश दे देंगे। इस रिपोर्ट में पीड़ित पक्ष के लिए एक राहत ये है कि जांच में अस्पताल को ऑक्सीजन की कमी के नाम पर मरीज के परिजनों को डराने के लिए दोषी पाया गया है, लेकिन असल मामला तो मॉकड्रिल के बाद मौतों का है, जिसके लिए आरोप प्रत्यारोप के दौर अभी जारी रहेंगे।